हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स रास्ता जो आज क्वेश्चन है हमारा वो सर्कल से रिलेटेड है इसमें लिखा है अ सर्कल विथ सेंटर पी हैज अ पॉइंट ए बी सी सच दैट एंगल ए बी पी इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री जो एंगल है वो ट्वेंटी डिग्री का है बी पर एंड एंगल ए सी पी इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री मतलब एंगल सी पर भी ट्वेंटी डिग्री एंगल है पूछा है वॉट इज एंगल बी पी सी इन डिग्री तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है ना तो इसे अब हम सॉल्व कैसे करेंगे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेडियस जो पी बी और पी सी है तो हम लिख लेते हैं कि पी बी एंड पी सी इज़ इक्वल टू रेडियस एंड बोथ आर इक्वल एज दे आर रेडियस सो ऑल द रेडियस इन द सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी तरफ से ए और पी पॉइंट को हम जॉइन कर देते हैं इस कंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पर करेंगे तो हम लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन करना है ए से पी तक का वो भी रेडियस रहेगा एंड दैट विल आल्सो बी इक्वल टू पी बी एंड पी सी बिकॉज इट इज़ आल्सो रेडियस तो हम लिख रहे हैं ए पी इज इक्वल टू रेडियस और इसके बाद हम यहाँ पर यह भी चीज़ लिखेंगे रिमेम्बरेंस के लिए कि ए पी पी बी एंड पी सी आर इक्वल एज दे आर रेडियस विद इन दिस सर्कल अब इसमें एक ये बात हो जाती है जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है ए पी एंड पी बी रेडियस है तो इससे क्या बेनिफिट होगा इससे क्या है कि यहाँ पर जो एंगल बी है और एंगल पी ए बी भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि एक एसोसेलस ट्रायंगल बन रहा है एसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड्स जब इक्वल होती हैं तो उसी से रिलेटेड जो बेस एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू या उनकी डिग्री भी इक्वल होती है तो उससे हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल पी बी ए एंड एंगल बी ए पी विल बी इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री बिकॉज इट फॉर्म्स अ आइसोसिलस ट्राइंगल क्योंकि ए पी और पी बी दोनों रेडियस हैं और दोनों इक्वल लेंथ के हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री सिमिलरली ट्राइंगल ए पी और सी की बात करें तो उसमें भी जैसे एस गिवन है एंगल सी इज़ इक्ल टू ट्वेंटी डिग्री उसी हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी ए सी विल ऑल्सो भी इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री बिकॉज यहाँ पर भी आई सोसेल एस बन रहा है बिकॉज ए पी एंड पी सी बोथ आर रेडियस और ये एक आई सो बना रहे हैं जिस कारण से बेस एंगल्स जो हैं वो भी ट्वेंटी डिग्री हो जाते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिमिलरली ट्वेंटी डिग्री प्लस ट्वेंटी डिग्री इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री पूरा कम्प्लीट एंगल जो है वो हमारा फोर्टी डिग्री का हो जाएगा ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी ठीक है अब इस बात को आप ध्यान रखिए कि इस एक को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए जो थियरम है द एंगल सब्सटैंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटैंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या बोलते हैं इसको इसको ईजी वर्ड्स में समझ लेते हैं कि जो एंगल हमारा ए पर बन रहा है उस एंगल का मेजरमेंट जितना भी है उसका डबल एंगल हमारा सेंटर में बनेगा या जो सेंटर में एंगल बन रहा है उसका हाफ़ हमारा ए पर फॉर्म होगा तो अगर हमारा एंगल 40 डिग्री का है तो इसको हम ट्वाइस करते हैं तो आंसर एटी डिग्री आ रहा है जो हमें फाइंड आउट करना था